press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक मजेदार और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर मुस्लिम महिलाएं। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अनिका नजीर को, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, नाजिया अली खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज करेंगी, बल्कि निकाह के नाम पे और निकाह मुत्ता के नाम पे लड़कियों के साथ क्या क्या होता है उसको भी आज उजागर करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इक्वालिटी की बात अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है तो भाई कुरान का सूरह अन्निसा तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। ये तो कुरान का सूरह अन्निसा कहता है। अब अगर बात आती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि भाई आपने तो हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि निकाह तो तब तक जायज नहीं होगा जब तक आप हिंदू लड़की को मुसलमान नहीं बनाइएगा, तो आपने हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी, जिसका एक छोटा सा झलक हमने यूपी में देखा भी है लव जिहाद एक्ट के हिसाब से। तो अब आ जाइए सूरह अल बकरा में। सूरह अल बकरा साफ कहता है कि भाई आप हम कलमा से निकाह पढ़िए, आप जो आपके कलमे में आती है ए मुसलमान अपने हम कलमा में निकाह पढ़ो। तो सूरह अल बकरा आपको कहता है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कहता है कि हम कलमा में निकाह पढ़ो, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? अब मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भाई एक तरफ अगर बेचारा हिंदू हो दूसरी शादी करता है तो 494 में 7 साल का पनिशमेंट मिल जाता है, इसी धरती पे इसी भारत में मुसलमान 4 शादियां धड़ल्ले से करता है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो भाई हमारे कुरान ने तो आपको हुक्म नहीं दिया, हमारे रसूल के सुन्नत ने तो आपको हुक्म नहीं दिया है कि आपने 4 शादी करनी है। उन्होंने कहा है कि सरकमस्टांसेस जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब बात आती है एडुकेशन की, नहीं मर्दों के बराबर औरतें अगर पढ़ लेंगी तो वो वोकल हो जाएंगी। तो कुरान कहता है इकरा, इकरा मतलब पढ़ो, पर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में कुरान ने तो कहा नहीं। तो मेरा कहना है कि हर वो चीज जो कुरान कह रहा है, जो सुन्नत रसूल कह रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है तो दर्द कहां पर है? दर्द तो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं चलिए कि भाई 10 साल में 11 साल में लड़की को पीरियड्स हो जाता है, तो अब उसका निकाह हो जाना चाहिए इस्लामिक और शरिया लॉ के हिसाब से, कि अगर उसका निकाह हो रहा है तो कोई बात नहीं है। इसी भारत में, इसी धरती पर, इसी भूमि पर अगर कोई हिंदू या कोई और धर्म का अगर 12 साल 13 साल की लड़की के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन कर लेता है तो वो पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन हो जाता है, कन्विक्शन की सजा हो जाती है। तो एक तरफ कोई 12 साल 13 साल की लड़की के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन करता है तो उसको उम्र भर जेल के अंदर रहना पड़ता है, और दूसरी तरफ आप शरिया का नाम लेकर के, मतलब एक अरबिक वर्ड यूज करके आप सारी गंदगी सारी वल्गैरिटी कर लीजिएगा और आप माफ हो जाइएगा, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनको तकलीफ हो रही है जो इन दुर्नीतियों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो ये दुर्नीतियां कर रहे हैं। अब जैसे निकाह मुत्ता आता है, जैसे तलाक हसन है, तलाक एहसन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब निकाह मुत्ता आता है, किसी मुसलमान को मैं पसंद आ गई पर मैं उसको पसंद नहीं कर रही हूं, मैंने मना कर दिया। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद से एक बार सहाबा कराम ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि अगर कोई लड़की किसी रिश्ते के लिए इनकार कर दे तो क्या वो निकाह होगा? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उस सहाबा कराम को जवाब दिया है कि वो निकाह कभी नहीं होगा, बजाय ये कि उस लड़की से ये पूछना भी मुनासिब नहीं है कि रीजन क्या है निकाह को इनकार करने का। तो ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, लेकिन निकाह मुत्ता क्या कहता है कि अब मैं पसंद आ गई, मुझे पकड़ धकड़ करके एक निकाह कर लिया और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद मेरे को तलाक दे दी। दिस इज काइंड ऑफ वल्गैरिटी, ये तो कोई नहीं मानेगा, ये तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अब आते हैं बिजनेस पर। ये मैंने उन मुल्लाओं के बारे में बात कही है, उन मुस्लिम पुरुषों के बारे में बात कही है जो इन सब चीजों की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ कि एक जो पूरा ग्रुप है वो क्यों विरोध कर रहा है। देखिए मजार, हमारा कुरान कहता है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं,
एंजल जो मरतहब थे, जिब्रेल अलैहि सलाम जो थे, इन ऐसे ऐसे एंजल्स ने कहा है, ये कुरान की बात में बता रही हूँ, कि जो भी मजार को वर्शिप करता है वो गुनाह में मलूस हो जाता है। वो मजार परस्ती करना, मजार को वर्शिप करना इज अ सिन एज पर द कुरान। तो ये जो मौलवी मुल्ला जो मजार खोल कर बैठे हैं, उनका जो आमदनी का जरिया है, चादर का, अगरबत्ती का, इत्र का, लुकुमदाने का, गुलाब के फूल का, उसके बाद फिर जो चंदा आता है, फिर जो बड़ी हांडी होती है, फिर जो छोटी हांडी होती है, तो ये जो सारे सारे के सारे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगी, वो सबके सब, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको भी, क्योंकि मैंने मेरी ड्राफ्टिंग में ये भेजा है, डेफिनेटली मैंने ये भेजा है, और बजाबते बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने लिख करके भेजा है कि इन सारी चीजों को भी बंद किया जाए। अब आते हैं मदरसे पर। अब मदरसे में जो पैसे आते हैं, तो जो पैसे इतने धनदौलत आ रहे हैं, क्या हमने आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी मदरसे के बच्चों को आईएएस ऑफिसर, डीएसपी, मैजिस्ट्रेट, जज, आईपीएस ऑफिसर, रेनाउंड एडवोकेट, रेनाउंड डॉक्टर बनते हुए देखा है? ऐसा तो नहीं है कि कुरान पढ़ के वो ये चीजें नहीं कर सकता है? कर सकता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कुरान पढ़ा हुआ होगा तो मैजिस्ट्रेट भी बन सकता है, लेकिन बना नहीं। अनिका, आई एम क्वाइट रेनाउंड बाय फेस, बाय माय वॉइस, थ्रू माय वॉइस मैं रेनाउंड हूँ, मेरा एक प्रोफेशन है, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कुरान के बारे में आप कुछ भी पूछिए मैं बताऊंगी। एग्जैक्टली, कुछ भी पूछिए मैं बताऊंगी, और सूरे वर्सेस के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इधर उधर से करके बताऊंगी। तो जो लोग हाफिज कुरान होते हैं या जो लोग धर्म गुरु होते हैं, वो इन चीजों को अपना बिजनेस क्यों बना लेते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तिजारत किया करते थे, तो क्या वो पांच वक्त नमाजी नहीं थे? क्या वो तहज्जुद नहीं पढ़ते थे? या वो हज नहीं करते थे? तो प्रॉफिट मोहम्मद जब तिजारत कर सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की पहली बीवी जब तिजारत कर सकती है अपनी पूरी इबादत के साथ, तो ये जो जितने भी मुसलमान के धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, ये अल्लाह का कलाम बेच बेच करके अपनी लग्जेरियस लाइफ और अपने बच्चों को कैथोलिक स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों चढ़ रहे हैं? ये बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? ये कारोबार क्यों नहीं करते हैं? ये नौकरी क्यों नहीं करते हैं? अकेडमिक क्वालिफिकेशन को बार बार मना क्यों करते हैं? इसीलिए मना करते हैं कि अगर ये एक संविधान के अंदर आ जाएगा कि भाई सबने तो पढ़ना है, अब तो सबने पढ़ना है, अब तो ये मजार का जो बिजनेस है, ये जो मदरसे का बिजनेस है, ये जो झूठ बोलने का बिजनेस है, ये सब बंद होगा और सबने पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लेने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, इतनी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि आपको नौकरी मिल सके और तब आप अपने घर को चला सकते हो। ये डर इनको सता रहा है, ये परेशानी इनको सता रही है कि भाई अब तो हमने पढ़ना पड़ेगा, अब तो हमने इंजीनियर डॉक्टर होना पड़ेगा, अब तो हमने चक्कर लगाना पड़ेगा, हमने मेहनत करनी पड़ेगी। भाई इन्होंने पढ़ के बच्चों को बनना है, लेकिन डर इनको है, बच्चे तो बन भी जाए, वो तो बनना भी चाहे नहीं, क्योंकि देखिए ये इजी मनी है ना अनिका, ये तो इजी सोर्स ऑफ इनकम है ना। अरे क्या करना है, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खोल लो और उसके बाद फिर उसमें से कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। मुझे आप ही बताओ कि आपने सोशल मीडिया पर या आपने न्यूज चैनल पर किस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने वुमेन्स अवेयरनेस पे काम किया हो, जिसने वुमेन एडुकेशन पे काम किया हो, जिसने रेप और मुस्लिम बच्चियां जो रेप की और ट्रिपल तलाक की जो विक्टिमाइज होती हैं उनकी काउंसलिंग के लिए अवेयरनेस का काम किया हो? जो रिसेंट विक्टिम्स है कश्मीर में पिछले दो कुछ हफ्ते से दो चार वाक्य सामने आए हैं जहाँ पे माइनर गर्ल्स रेप विक्टिम्स बनी है, तो किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई, सब चुप खामोश, कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। तो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अवेयरनेस का काम नहीं करता है, ये सिर्फ फंड कलेक्शन का काम करता है और उस फंड से सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे और उसके घर वाले और उसकी खुद की जिंदगी लग्जेरियस होती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ इन मजहब के ठेकेदारों को बल्कि जो निकाह मुत्ता के नाम पे लड़कियों का, खासकर मुस्लिम महिलाओं का शोषण करते हैं, उनको भी एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।